हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे न्यू एग्जाम पैटर्न 2020-21 के बारे में। देखिए स्टूडेंट, कल शाम को एक नोटिफिकेशन आया, ठीक है, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान भंवर सिंह जी भाटी ने जो नई शिक्षा, आप कह सकते हो पैटर्न बोल सकते हो उसको, ठीक है, 2020-21 का जो कॉलेज एजुकेशन के लिए जो एग्जामिनेशन होंगे उनका पैटर्न किस हिसाब से रहेगा, उनके बारे में एक नोटिफिकेशन क्या हुआ, जारी हुआ, ठीक है। तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। काफ़ी बच्चों के डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्यूरीज है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेन जो बातें लिखी गई थी उन सब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की, ठीक है, जिन्होंने सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए थे, फाइनल में जो इस बार आए हैं, ठीक है। तो उनके लिए सबसे पहले ये बोला गया कि उनके एग्ज़ाम होंगे, पहली बात क्लियर मेंशन है एग्ज़ाम होंगे। दूसरी बात, होंगे कब, जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड दिया है कि यहाँ तक आप क्या करवाओ, एग्ज़ाम करवाओ, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जैसे MGS की है, तो उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म ले भी लिए है और फिल भी कर लिए है, ठीक है। तो उनका एग्ज़ाम का जो प्रोसेसर है फॉर्म भरवाने का, वो लगभग कंप्लीट सा ही है उनका, ठीक है। बट अपन बात करें हमारी MDS की, तो हमारी MDS के जो एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम फॉर्म ये, वो भी 3 जुलाई से 20 जुलाई तक के है, केवल एग्ज़ाम फॉर्म है। तो आप ये मान के चलो कि भाई 20 जुलाई तक एग्ज़ाम फॉर्म ही भरे जाने हैं, तो 5-7 दिन कुछ करेक्शन के भी मिलेंगे, है कि नहीं। फिर एक लेट फीस का भी प्रोसेसर रहता है, तो अपन माने तो अगस्त आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जो MDS के अकॉर्डिंग बात करें तो ये थोड़ा सा डिले चलेगा, मतलब थोड़ा सा बाद तक होगा, ठीक है। तो जुलाई तो नहीं बोल सकते, हाँ अगस्त के फर्स्ट वीक या 7 तारीख के बाद जब कभी भी पॉसिबल हो, ये पॉसिबल हो सकता है, ये एक बनती है, यदि अपन करें तो कोशिश हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, यहाँ पे रहेगी प्रैक्टिकल्स के डाउट्स, कि स्टूडेंट के मन में रहेगा कि सर हमारे प्रैक्टिकल्स कब होंगे। तो ऐसा होगा कि पहले एग्ज़ाम करवा देगी यूनिवर्सिटी, फिर आपके क्या ले लेगी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले लेगी, ये भी एक कंडीशन है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ऐसा करेंगे तभी जो अगस्त फर्स्ट वीक का बोला या सेकेंड वीक के आसपास ही हो एग्ज़ाम स्टार्ट हो पाएंगे, वरना ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म के ठीक है 10-20 दिन बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के भी एटलीस्ट 15-20 दिन बाद क्या होते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं। तो प्रैक्टिकल को स्किप करके पहले थ्योरी एग्ज़ाम ले ले, ठीक है, और उसके बाद आपके क्या करवा ले, प्रैक्टिकल करवा ले, तो ये एक चीज़ पॉसिबल है। तो फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट आप अपने तीनों पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और फिजिक्स में भी तीनों, केमिस्ट्री में भी तीनों और मैथ में भी तीनों, आप बायो के हो तो बायो की भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम फाइनल ईयर के तो श्योर होने हैं, ठीक है। ये बात हुई हमारे फाइनल ईयर के पर्पस। अब अपन बात करें सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर को बोला गया है कि प्रमोट करेंगे, ठीक है, लेकिन उनको जो परसेंटेज देंगे वो देंगे 10वीं और 12वीं के अंक के आधार पर और उनके भी एवरेज के आधार पर। एवरेज का मतलब जैसे 10th में 70 है और 12th में 70 है, तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग लगे तो लगभग 70% ही आता है, ठीक है। तो उस आधार पे मतलब एवरेज का मतलब औसत अंक देखे जाएंगे, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर वालों को तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो प्रमोट है ही है, ठीक है। बट एक चीज़ ये भी मन में क्यूरियस बन सकती है कि सर हमारे जो ये कंपलसरी होते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह होते हैं, इन पेपर का क्या होगा। तो इन पेपर का स्टूडेंट देखा जाएगा कि एग्जाम फॉर्म में आप हिंदी इंग्लिश को ले रखे हो ना, तो उनका भी फिर क्या आएगा, प्रमोट का सर्टिफिकेट आएगा। तो वो एग्ज़ाम जैसे फर्स्ट ईयर में आप प्रमोट हो गए ना हिंदी इंग्लिश में, तो आपको जो सेकंड ईयर फाइनल में है वहाँ पे नहीं देने। अब ये अलग बात है कि कंप्यूटर का यदि सेकंड ईयर में होता है तो सेकंड ईयर में जो लगते हैं वो लगेंगे, बाकी यदि हिंदी इंग्लिश फर्स्ट ईयर में आपने ले रखा है तो आपके हिंदी इंग्लिश में आप प्रमोट माने जाओगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर को प्रमोट तो करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में मैंने लिखा है अस्थाई, क्योंकि वहाँ पे जो लिखे हैं वो पॉइंट हमने राइट डाउन किया बस, है ना। अस्थाई प्रमोट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि सेकेंड ईयर वालों को बोल देंगे कि आप पास हो, अस्थाई रूप से आपके एग्ज़ाम होंगे, बाद में आप फाइनल ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर दो 10 जुलाई के आसपास, ऐसा कुछ दे रखा है कि भाई वहाँ तक इनकी क्या कर दो, आप क्लासेस स्टार्ट करवा दो, ठीक है। तो सेकेंड ईयर वाले आगे किस में, फाइनल में उनकी क्लासेस स्टार्ट है, बट ये बोल रखा है कि परिस्थिति सामान्य होने पर, ठीक है, कि भाई कोविड के सब वैक्सीनेट हो गए, केसेस कम हो गए, या थर्ड वेव मान लीजिए नहीं आए, उस केस में क्या होंगे, एग्ज़ाम होंगे। उसके यदि एग्ज़ाम हुए तो रिजल्ट कब तक आएगा, 31 दिसंबर, मतलब लगभग अगला साल ही आप मान लो, पहली बात। दूसरी बात,
ये है कि एग्ज़ाम की रिजल्ट की डेट घोषित कर दी बट एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं हुई, समझ रहे हो? तो मतलब ये वेरी करेगा, इसमें आपके अनसर्टिनिटी बनी रहेगी कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सब कुछ अच्छा हुआ, भगवान ने सब कुछ अच्छा रखा, तो आप मान लीजिए कि महीने भर दो महीने बाद एग्ज़ाम हो गए तो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। बट यदि वो एग्ज़ाम हुए तो इनके रिजल्ट 31 दिसंबर से पहले पहले आने जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, अब अपन जो मेन पर्पज़ है फाइनल ईयर वालों के लिए, कि उनके पेपर कितने होंगे, एक दिन में मैक्सिमम कितने पेपर होंगे, कितने घंटे का क्या रहेगा पेपर का टाइमिंग रहेगा, कितने मार्क्स आएंगे, कितनी यूनिट्स की बाध्यता होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, इनके बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यह बोला गया, एक विषय के पेपर एक दिन में एक साथ, पहली बात। मतलब यदि आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप मैथ्स से बिलोंग करते हो, तो मैथ्स के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेपर, तीनों पेपर एक ही दिन में। मतलब ये है कि सुबह 7:30 से 9 तक एक हो जाए, फिर 10:30 से 12, और फिर जैसे भी 2:30 से 4 होते, वो जितना भी करे वो अलग बात है, वो अभी कमेटी बैठेगी, वो बाद की बात होगी। पर अभी एक बार जो बोला गया वो ये बोला गया है कि एक दिन में एक साथ ही क्या करवाने, तीनों पेपर करवाने। अब ये कह तो दिया पर मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगा, क्यों? यदि अब एक स्टूडेंट बन के सोचें अपन, तो ये कोई सेंस वाली बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके फ्यूचर का सवाल है। एक दिन में केवल एक पेपर हो तो सही है, क्यों? चाहे भले ही उन्होंने टाइम कितना कर दिया हो, 1.5 घंटे, ध्यान से समझना, चाहे भले ही उन्होंने नंबर क्या कर दिया हो, आधे, मैंने लिखा है यहाँ पे कि जैसे 50 नंबर का होता था, ठीक है, तो पेपर तो 25 नंबर का होगा लेकिन टाइमिंग आधी हो गई, तो बात तो एक ही है ना, समझ पा रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, ये फ्यूचर का सवाल है, तो यहाँ पे ये नहीं कि एक दिन में तीनों लेके हमने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, बिकॉज एक दिन में तीनों एक साथ स्टूडेंट के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इवन टीचर्स भी यदि बोले कि तीनों किताबें एक साथ है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं BSc फाइनल की बात करूँ तो न्यूक्लियर है, सॉलिड है, क्वांटम है, ठीक है। अब क्वांटम पढ़ेगा तो न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियर पढ़ेगा तो सॉलिड, तो ये तीनों एक ही दिन में एक साथ पेपर करना, मतलब थोड़ा सा एक अजीब सा डिसीज़न है। हालांकि डिसीज़न है, आगे देखो इस पे फाइनल डिसीज़न अभी आना बाकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बाकायदा आपको बताया जाएगा कि यहाँ से ऐसे प्रोसीजर जारी रहेगी, ठीक है। बाकी ये क्लियरली मेंशन है, एक विषय के पेपर एक साथ होंगे, ठीक है, मतलब एक दिन में तीनों पेपर एक साथ। उसके बाद यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है। इसका मतलब है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि 50 नंबर का पेपर है, ठीक है, अब आपको उसमें से 25 नंबर के अटेम्प्ट करने, वो मैटर ही नहीं करता कि आप सेक्शन ए से कर रहे हो या सेक्शन बी से और या सेक्शन सी से। फॉर एग्जांपल की मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं कि सेक्शन ए की अपन बात करें स्टूडेंट, 1.5-1.5 नंबर के कितने आते हैं, 10। सेक्शन बी की बात करें 3-3 नंबर के, 5, और सेक्शन सी की बात करें तो 6-6-7, यही पैटर्न रहता है ना। तो अब देखिए, यदि 15 नंबर ये, 15 ये और 20 ये, तो कितने हुए, 50, ठीक है। अब आपको अटेम कितने का करना है, 25 का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों सेक्शन अटेम करो ना, कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी इच्छा होगी 1.5-1.5 के 15 कर दिए आपने, कर दिए तो कर दिए, 10 कर दिए तो 15 नंबर बना लिए ना। अब आपको इन दोनों सेशन में से केवल और केवल 15 और 10, 25 का ही अटेम करना है, समझ पा रहे हो? जैसे मान लीजिए कि आपने सेक्शन ए में 12 नंबर का अटेम कर लिया, तो इन दोनों को मिला के आपको कितना अटेम करना है, 13 नंबर का, समझ पा रहे हो? मतलब कोई यूनिट की बाध्यता नहीं रहेगी कि आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक सोल्व करना है, आपको बस 25 नंबर का काम करना है पेपर में। वो आप कैसे भी करो, वो आप पे डिपेंड है, मतलब कोई यहाँ पर बाध्यता नहीं रह जाती। वापस थोड़ा सा समझा दूँ, किसी स्टूडेंट के डाउट्स हो तो देखो बेटा, ये है कि जैसे सेक्शन सी आता है हमारे 15 का, सेक्शन बी आता है हमारे 15 का, और सेक्शन सी आता है हमारे 20 का, तो 15 और 15 30 30 और 20 कितने हुए स्टूडेंट, 50, ठीक है। अब आपको टाइम कितना करना, 50%, तो कितने बने, 25 नंबर। तो आपको केवल जो क्वेश्चन कर रहे हो उनको ऐड करके देखना है कि हमने 25 नंबर के क्वेश्चन ऐड किए या नहीं किए। फॉर एग्जांपल, 3-3 के आपने मान लीजिए कि 2 किए, तो आपने कितने नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 6 नंबर के, और 1.5-1.5 के आपने कर दिए 4, तो ये भी कितने हो गए, 6, तो ये 6-6 कितने हुए, 12। अब आपको सेक्शन सी है, इसमें से कितने का करना पड़ेगा फिर, 13 नंबर का। अब आप ये बोल सकते हो कि 6-6-12 7 कैसे करें, तो एक एग्जांपल के लिए, ठीक है।
कि आपको जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो उनको ऐसे मैनेज करना है कि वो 25 नंबर के पूरे हो, ठीक है। तो 50 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, पेपर। और बट ध्यान रखना स्टूडेंट, अभी भी टाइम 1.5 घंटे का मिलेगा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट बहुत कम टाइमिंग होता है एग्ज़ाम के पर्पज से। पूरे साल मेहनत की है आपने, डेडिकेट होके काम किया है, तो ये एक ऐसा दिन होगा जिसमें आपको बहुत सोच समझ के क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कि जैसे न्यूक्लियर की बात करूँ तो आयोनाइजेशन चैम्बर है, ठीक है, GM काउंटर है, इन सबको एक साथ दिमाग में रखना और 1.5 घंटे में सोल्व करना। तो बस ध्यान रखना है स्पीड के साथ, होश के साथ काम करना है, मतलब आपको 1.5 घंटे में 25 नंबर तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हाँ सर पेपर तो आधे ही हो गए, 50% कम हो गया। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि उतना ही टाइम भी क्या हो गया, कम हो गया। तो उस टाइम को भी आपको ध्यान रखना है, यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, मैंने समझा दिया पूरा। जिन विषयों के 2 या 3 पेपर है वो एक साथ होंगे, ये चीज़ समझना, 2 या 3 पेपर जिन विषयों के वो एक साथ होंगे, जैसे फिजिक्स फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है, तो तीनों को एक ही दिन में। अब बोल दिया, हालांकि मैं तो पक्ष में नहीं हूँ इसके, पर फिर भी अब है तो होंगे तो अपन को तो देने पड़ेंगे, उसमें अपन को ऐसे कर नहीं सकते, ठीक है। तो आपको तैयार रहना बस, ठीक है। पहली बात, मैक्सिमम 2 करवा सकते थे, ये अच्छी ऑप्शन थी, मैंने ग्रुप में डिस्कस भी किया था, मैंने मैक्सिमम 2 लिखे थे। वो लिखने का कारण ये था कि मतलब 2 सफिशियंट है, 2 से ज़्यादा होना थोड़ा सा क्या कि दिक्कत करता है बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन लगवाना प्राथमिकता है, इसमें मेंशन किया गया कि जो आपके हॉल में एग्जामिनर होंगे, ठीक है, जो आपके रूम में आप टीचर्स आपका ध्यान रख रहे हैं, लेक्चरर्स ध्यान रख रहे हैं, तो उनके भी वैक्सीन हो। आपको यदि कोई पानी पिलाने आ रहा है उसके भी क्या हो, वैक्सीन हो। प्रिंसिपल है वहाँ के, उनके भी वैक्सीन हो, मतलब एक सेंटर है, तो उसको उन सब लोगों को क्या होना चाहिए, वैक्सीनेटेड होना चाहिए, अर्थात उनके वैक्सीन लगी होनी चाहिए और आप भी उसमें शामिल हो। वैक्सीन को प्राथमिकता है स्टूडेंट, कोशिश करना आप लोग को जब भी टाइम मिले, एटलीस्ट आप चाहे कोविड से लीजिए, आप कोवैक्सीन लीजिए, वो ये मैटर नहीं करता, एटलीस्ट आपको एक डोज तो लगवाना ही रहेगा, कंपलसरी, ठीक है। मे भी हो सकता है कि जिनके जो वैक्सीनेटेड नहीं है, मे भी एग्जाम हॉल में उनको परमिशन दे ना भी दे, तो ट्राई करना स्टूडेंट, जब भी आपको टाइम मिले या जब भी आप खुद को महसूस करो कि हाँ अब मैं तैयार हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए या मैं लगवा सकती हूँ, तो आप क्या कीजिए, एटलीस्ट एक डोज ज़रूर लगवा लीजिए, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में आसानी से एंटर कर सको, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ नहीं है यहाँ पे कि कोविड पॉजिटिव को विशेष छूट है। अब कोविड जो संक्रमित है, मान लीजिए एक बात करते हैं अपन की, जैसे आपका एग्ज़ाम है अगस्त में, 15-16 अगस्त को है, आपका उस दिन भाई कुछ सिम्टम्स आए, आप पॉजिटिव हो गए तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है, आपको वहाँ पे एब्सेंट तो लगेगी, पर आपको वापस एक विशेष क्या दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। मतलब आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हो तो ऐसे नहीं है कि अब आपको बैक लगेगी, वापस एक आपको अवसर ज़रूर दिया जाएगा। किस चीज़ के बारे में, कि आप एग्ज़ाम वापस दीजिए और खुद महाविद्यालय या यूनिवर्सिटीज यह तय करेगा कि उसको एग्ज़ाम उसका कैसे लगवाए, ठीक है। तो मतलब समझ पा रहे हो, यदि संक्रमित है तो उनको विशेष छूट ऐसे मिलेगी कि भाई मान लीजिए कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो उनका रिजल्ट आया बैक आ गया, तो वो संतुष्ट नहीं है, तो वो वापस क्या कर सकते हैं, कि ये बोल सकते हैं कि हाँ मेरा आप वापस एग्ज़ाम ले लो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो न्यू एग्ज़ाम पॉलिसी बोल दो, एग्ज़ाम पैटर्न बोल दो, जो भंवर सिंह जी भाटी द्वारा या सूचना व जनसंपर्क विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया था उसको मैंने डिस्कस किया है। अभी तक ऐसा प्रोसेसर अपनाने का बोला गया है, अब यूनिवर्सिटीज़ सारे मिलकर कमेटी तय करेगी कि इसको कैसे अप्लाई करना है, एक दिन में 3 पेपर करवाएं या 2 करवाएं या 1 करवाएं, 1.5 घंटे का रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज ज़्यादातर तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज होता है तो हो सकता है, ठीक है। बट बात वही है सेकेंड ईयर वाले और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट, सेकेंड ईयर वालों को तो वैसे पूरा बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है, पढ़ना फाइनल का एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का देना है, तैयारी फाइनल ईयर की करनी है लेकिन परीक्षा सेकेंड ईयर की, तो आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वर्क करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप जिम्मेदार स्टूडेंट हो और सारे ही समझदार हो, ठीक है, SMDT के, आप तपड़िया के जितने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के सारे ही, मतलब ऐसे नहीं है कि SMDT सारे ही कॉलेज के स्टूडेंट के हैं, समझदार है। तो आई होप स्टूडेंट आप ये वीडियो समझ पाओगे,
कि जो बोलना चाह रही है कि गाइडलाइन की आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, तो वो आप चीज़ क्या रखना, ध्यान रखना। आई होप स्टूडेंट अब आपकी क्यूरीज डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि कल से काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी मतलब मैं इंटरेक्ट कर रहा था तब मेरे को लगा कि भाई ऐसे मैं सबको नहीं समझा पाऊँगा, तो मैंने एक साथ ही सबको क्या कर दिया है, समझा दिया है। फिर भी कोई स्टूडेंट के भी डाउट रह जाता है तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को मैसेज करके या आप कॉल करके पूछ सकते हो। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, आज कोई पढ़ाई होनी, अपन कल पढ़ाई वापस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।